हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ इस ऐप का। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ऐप बनाना सीखेंगे। तो हमें करना क्या होगा, जब आपका स्टाफ या आप अटेंडेंस लोगे तो अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे। बैकएंड से आपका ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे ले लेगा। आपको नाम ही लिखने की जरूरत नहीं है, फिल करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, इनका टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ पे आप ऑफिस से कितने डिस्टेंस पे आप अटेंडेंस ले रहे हो वो डिस्टेंस ऑटोमेटिक ले लेगा, प्लस करंट लोकेशन ले लेगा। और अगर मैं इसे सेव करता हूँ, देखिए तब इसने क्या बता दिया, यू आर अवे फ्रॉम ऑफिस, यानी कि ये लोकेशन बेस्ड ऐप है। अगर आप ऑफिस से 50 मीटर दूरी से अटेंडेंस ले रहे हो तो ये अटेंडेंस नहीं लेगा। इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ रहा है ग्रीन आ रहा है और ये वाला ब्लैक आ रहा है। मेरा ये अटेंडेंस की हिस्ट्री नीचे मुझे दिखती रहेगी। ग्रीन का मतलब वो है मैं इसमें इन और आउट दोनों हो चुका हूँ, और ब्लैक का मतलब यह है कि मैंने सिर्फ इन किया है, अभी आउट नहीं किया है। जैसे देखिए, मैं इस यहाँ पे 11:24 पे इन हुआ हूँ और आउट हुआ हूँ 3:22 पे। टोटल मैं ड्यूरेशन ऑफिस में बिता रहा हूँ 3 घंटा 58 मिनट। ऑफिस का डिस्टेंस इतना था, इतना मीटर, और इसको मैं बांध लूंगा। अब अगर मैंने जब इन तो करूंगा तो इस तरीके से इन करूंगा ऑफिस में, लेकिन आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उसी वाले पे क्लिक करूंगा जो मैंने अटेंडेंस लिया है आखिरी में, और यहाँ पे जाऊंगा आउट। ये मैं इन और आउट दोनों हो गया, तो यहाँ मेरा इन का टाइम आ गया और आउट का टाइम हो गया, इनका लोकेशन आ गया और आउट का भी लोकेशन आ गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ अपना ही अटेंडेंस देख पा रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसको कितना डेटा दिखना चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ मेरी जगह ही अटेंडेंस दिखे, और कोई एडमिन है जो वो सबका अटेंडेंस देख पाए, एडमिन या एचआर, तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे इम्प्लॉय वाले ने, यहाँ अब मैंने परमिशन दे रखा है। अभी मैं यूजर हूँ, अब यूजर क्या कर सकता है, यूजर सिर्फ अपना ही डेटा दे सकता है, देख सकता है। अब अगर मैं अपने आप को एडमिन रोल देता हूँ तो मैं मुझे सबका डेटा देखूँ, देखिए थोड़ी देर बाद देखिए, अब सबका डेटा मुझे दिखेगा, किसने कब अटेंडेंस ली। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का डेटाबेस तैयार करना है, और दूसरा जहां पे अटेंडेंस रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा वो वाला डेटाबेस तैयार कर लेना है। एम्प्लॉय का डेटाबेस आपको ऐसे तैयार कर लेना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का पिक्चर रहेगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट रहेगा किस डिपार्टमेंट का है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका रोल क्या है। यहाँ पे मैं परमिशन, ईमेल आईडी, उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी, एचआरए कितने, अटेंडेंस कितना है, टोटल सैलरी कितनी है। दूसरा क्या करना है आपको, अटेंडेंस वाले में जाएंगे आप, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, किस डेट में अटेंडेंस लेगा, डेट उसके लिए, इन टाइम, आउट टाइम, इन का लोकेशन, आउट का लोकेशन, प्लस यहाँ पे एक और देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ऐप शीट पे जंप करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ऐप शीट खोल के वहां से भी डेटा को इम्पोर्ट करके कर सकते। मैंने किया क्रिएट, अब ये डेटा यहाँ पे आ गया, एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे आ गया। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसका स्कीमा सही है गलत है। देखो एम्प्लॉय का नाम ठीक है, एम्प्लॉय कोड मेरा चाहिए की में, पिक्चर ठीक है, पिक स्कीमा मतलब ये पिक्चर है तो ये इसका फॉर्मेट किसमें है, पिक्चर इमेज में, ये ठीक है। डिपार्टमेंट टेक्स्ट में चाहिए, टेक्स्ट है, डिजिग्नेशन टेक्स्ट है, परमिशन टेक्स्ट है, और यहाँ पे ईमेल आईडी ठीक है, बेसिक सैलरी प्राइस ठीक है, लेकिन इसमें प्राइस में क्या है, यहाँ पे डॉलर दिखा रहे हैं ना, तो इसको हम रुपीज में करेंगे। एचआरए भी प्राइस है, इसको भी मैं डॉलर में शो करवाऊंगा, इसको मैं कर लेता हूँ 1,000 रुपये। कन्वेंस और टोटल सैलरी और डेटा मेरा पूरे तरीके से ओके है। इसको भी मैं नंबर नहीं कर देता हूँ, नहीं इम्प्लॉई आईडी टेक्स्ट में रहे, मुझे टेक्स्ट भी हो सकता है क्योंकि नंबर में हो सकता है, वो हर तरीके में हो सकता
इसको कर दिया मैंने, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, ये डेटा मेरा सही हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टेबल में जाके जो मेरा अटेंडेंस वाला सीट है, ये वाला अटेंडेंस रिस्पॉन्स वाला, इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ इसमें। चलो सर, यहाँ पे गया, इसका भी स्कीमा चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी ठीक है, नेम ठीक है, डिपार्टमेंट ठीक है, ईमेल आईडी, डेट, टाइम टाइम, और ये इन लोकेशन, ये रहेगा लोकेशन नाइट लॉग। यहाँ पे आप देखेंगे, एक आपको दिखेगा नाइट लॉग, नाइट लॉग, तो यहाँ पे आप लोकेशन कैप्चर करो, तो इसके लिए आपको नाइट लॉग का स्कीमा देना पड़ेगा। यहाँ पे भी रहेगा आपका नाइट लॉग, दूसरा ये आप डेसिमल में वैल्यू आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे रखेंगे डेसिमल कर रहे हैं, डेसिमल ठीक। इसको भी आप सेव कर दें, अब आपका डेटा पूरे तरीके से आते हैं। अब क्या करना है, अब आप जाएंगे ईवीएक्स में, इसके बाद आपको जाना ईवीएक्स में जाएंगे, ईवीएक्स में आप करेंगे, अब देखिए यूएक्स में ये अपने आप की प्राइमरी की बन गया रिस्पॉन्स का, और दूसरा एम्प्लॉय लिस्ट का। मैं सबसे पहले एम्प्लॉय लिस्ट वाले में जाऊंगा, एम्प्लॉय लिस्ट मुझे किस तरीके का डेटा चाहिए, अभी मैं ये फिल कर लेता हूँ, तब आप समझ में पूरा डेटा बना लेता हूँ पहले। पहले मैं इम्प्लॉय की एक डिटेल फिल कर लेती हूँ, मान लो मैं अपना डाउट, मेरा इम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 ठीक, मेरा नाम VILLESH, मैं अपना पिक्चर लगा देता हूँ, तो कोई पिक्चर लगा दो, मैंने अपना पिक्चर लगा दिया ठीक है, मान लो मेरा पिक्चर है, और डिपार्टमेंट डाल दिया आईटी, रिजिग्नेशन भी डाल दिया, परमिशन में दे दिया, ईमेल आईडी मेरी बेसिक सैलरी है 18,000 ठीक है, एचआरए है मेरा 40,000, और कन्वेंस है मेरा कितना, कन्वेंस है मेरा मान लो 30,000, फिर टोटल सैलरी अभी नहीं आ रही, टोटल सैलरी को मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसके लिए प्रॉब्लम वाले पे क्लिक करूँगा ठीक है, और इनिशियल वैल्यू में आप यहाँ पे देखो, इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे जाओ, इसके क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वाले पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या है मेरा बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस क्या करूंगा कन्वेंस, ये सारा प्लस करूंगा, इसको सेव कर दीजिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखिए से ही इसलिए क्लिक करूंगा, क्लिक कर लेते हैं, चाहिए
इसलिए इसमें क्लिक करते हो देखो ऑटोमेटिक आ गई ना, तो इस हजार से आपको ये इनिशियल वैल्यू में डालना है, ये वाला जब ऑटो कैलकुलेट हो वो आपको डालना है फॉर्मूला वाले में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको करता हूँ जैसे मेरी 18,000 से कुछ 15,000 करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कम हो गया, देखिए 60,000। अगर इसका मैं करूँगा 18,000 तो ऑटोमेटिकली ये 63,000, ठीक है। इसको सेव कर देना है। अब ये आप सिर्फ यहाँ पे किया, बैकेंड में भी ये अपडेट हो गया होगा 63,000 सैलरी। तो इस तरीके से आपको इम्प्लॉय का डेटाबेस तैयार कर लेना है। आप फ्रंट से भी तैयार कर सकते हैं, बैकेंड से भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ से ही तैयार कर सकते हो। तो दूसरा मैं डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय का फोर रहेगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। पिक्चर भी वैसे ही लगा देना, हम मेरी डिपार्टमेंट आई थी डी एम ई है, इनको भी मैं दे रहा हूँ यूजर परमिशन, इनकी ईमेल आईडी है। इनकी सैलरी है यहाँ पे 18,000, पैसे से 18,000 20,000 और ये 10,000, इनकी टोटल सैलरी कितनी है 48,000 सेव करते हैं, ठीक। अब आप आएंगे आगे, देखिए बिहेवियर में जाइए और एम्प्लॉय वाले पे देखोगे आप, सॉर्ट बाय है एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आप दिखाना क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी दिख रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिख रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड, अब आप क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो पिक्चर दिखेगा, पिक्चर नहीं एम्प्लॉय का नाम तो दिखेगा दिखेगा। दूसरा क्या दिखे, यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से उसका डिजिग्नेशन दिखना चाहिए, कुछ है क्या, ठीक। अभी विमलेश डीएमए। तीसरा क्या, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट डालेंगे, फिर आपका डेटा तैयार हो चुका है और यहाँ चलेंगे। अभी है डिस्प्ले में, फिर इसके बाद जाएंगे डिस्प्ले में, इस पर कौन सेलेक्ट कर सकते हैं यूजर का, ये होगा यूजर, इसको हमने परफेक्टली। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, आप डेटा पे जाएंगे, कॉलम पे आए, अटेंडेंस वाला सीट कॉलम, यहाँ पे देखिए इसको हमें फिल करना है, एम्प्लॉय का नाम। अब मैं चाहता हूँ कि जब एम्प्लॉय ये फॉर्म फिल करे उसको अपना नाम फिल ना करना पड़े। अब यहाँ पे जो एक चीज और है, देखिए यहाँ की बात दे दो एम्प्लॉय नेम से, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब एम्प्लॉय अटेंडेंस भरे तो उसका, यहाँ पे मैं अगर मैं अटेंडेंस फिल करता हूँ लेटर, यहाँ पे देखिए सब कुछ मुझे ऑटोमेटिकली फिल करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे डिटेल मतलब फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डिटेल फिल ना करनी पड़े, ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा क्या, यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला इस वाले पे, ये यूनिक आईडी में हटा देता हूँ, इसको तो फिर यूनिक आईडी रहेगी, मैं क्या करूंगा इसमें भी लुकअप का फॉर्मूला काम करता है, मैं बताता हूँ कैसे। लुकअप, अब डेटा मुझे किस किस डेटा में से कहाँ से लाना है और किसके रेफरेंस से लाना है, मुझे लाना है मेरे ईमेल आईडी से जो मैच करे डेटा, इसमें एम्प्लॉय वाले लिस्ट में वो डेटा यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, तो मैं करूँगा यूजर ईमेल कॉमा, उसमें से यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय वाले लिस्ट से क्या किससे मैच करें, ईमेल आईडी से, यहाँ पे देखिए किससे मैच करने हैं ईमेल से, लाना क्या है मुझे, मुझे लाना है एम्प्लॉय का नाम,
नहीं, इम्प्लॉय की आईडी लाना है यहाँ पे, मुझे लाना है इम्प्लॉय की आईडी। अब मेरी आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई ना, अगर यहाँ आप देखेंगे मेरी आईडी है 1 2 3। मैं अभी लॉगिन हूँ इस वाली आईडी से, विमलेश केयरी वाली आईडी से, तो इसलिए ये जो नाम ले रहा है ये निशा केयरी वाली ले रहा है, निशा केयरी का। तो निशा केयरी की ईमेल आईडी है ये, और इनका नाम मैं भी ऑटोमेटिकली कर दे रहे हैं, नाम ऑटोमेटिकली। उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ करना क्या पड़ेगा यहाँ पे एम्प्लॉय कोड की जगह मुझे करना है नेम, एम्प्लॉय नेम बस। और यहाँ पे भी क्या करना है मुझे, सेम फॉर्मूला कॉपी कर दिया डिपार्टमेंट में। यहाँ पे तो मैं यूजर ईमेल ही लिख सकता हूँ, ये यूजर ईमेल करता क्या, जो भी एंट्री करेगा ना उसका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला अपने आप ही लग गया, इसने सेंस कर लिया, डेट का सही लगा है और टाइम इनका ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे ही मैं अटेंडेंस लूंगा ऑटोमेटिकली उस दिन का डेट ले लेगा, और इससे क्या होगा उस दिन का करंट टाइम ले लेगा, और इससे भी करंट टाइम लेगा। आउट वाले में यहाँ पूरा नहीं लगाऊंगा, नहीं मैं अटेंडेंस लूंगा तो वो लोकेशन वाला मैं कर देता हूँ। लोकेशन में क्या करूँगा, लोकेशन के लिए क्या करते हैं, करंट लोकेशन के लिए लेने के लिए क्या करते हैं, लैट रो का फूला लगाते हैं, LAT L4 ATG। ठीक है, करंट लोकेशन के लिए हेयर का फॉर्मूला लगाते हैं, ये चीज बात है। अब जब भी फॉर्म फिल करेंगे वो करंट लोकेशन ही लेगा, हेयर का फॉर्मूला होना चाहिए और प्लस इसका स्कीमा लेट लॉन्ग होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आप देखते हो सारा डेटा अपने आप आ गया, आउट का नहीं आया। अगर मैं आउट वाले में ऑटो फिल लगा दूंगा तो जब वो इन करेंगे उससे आउट भी हो जाएगा, इसलिए मैं आउट वाले में अभी मैंने ब्लैंक कर रखा, ये दोनों आप देखिए। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, डेटा ऑटोमेटिकली आ जा रहा है तो इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको एडिट राइट हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आप जिसको एडिटेबल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसको आप हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, इसको मैंने हटा दिया। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं लोकेशन ये वाला इनका लोकेशन फ्रीज कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर डिस्टेंस में गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस का, DISTANCE, और फिर लैट लॉन्ग। ठीक है, अब वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद इन लैट लॉन्ग का रेफरेंस दे दूंगा, ये वाला जहां पे मैं इन करता हूँ तो लोकेशन आता है वो वाला रेफरेंस दे दूंगा इन लोकेशन। अब ये वाला जो लैट लॉन्ग है ये फ्रीज है, अब ये चेंज होता रहेगा लोकेशन के हिसाब से, ये करंट लोकेशन है आपका, तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्टेंस कैलकुलेट होता रहेगा उसके हिसाब से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किया और ये मैंने सेव किया, अब देखिए अभी मेरा डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, अभी यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 0 डिस्टेंस आ रहा है ना। अब अगर मैं अपना करंट लोकेशन इधर उधर करूँगा देख ऑटोमेटिकली ये इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा, देखिए। तो इसी डिस्टेंस की बेस पे मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा ऐप को कि अगर इससे ज़्यादा वैल्यू हो तो अटेंडेंस लेगा ही नहीं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊंगा, उसके बाद क्या करना है आपको कि जब अगर वो 50 मीटर से ज्यादा है तो मैसेज क्या शो करेगा,
तो चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंट्री सेव करूंगा, अटेंडेंस लूंगा, होगा फिर। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो करंट लोकेशन है इसका तो चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया। तो इसके लिए अभी डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, कितने किलोमीटर पर, 97 किलोमीटर पर, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा, अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यू आर वेलकम ऑफिस ग्रेटर देन 50 मीटर। और अगर नॉर्मली मैं लूंगा तो क्या बताएगा, नॉर्मली जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, ये लोकेशन कैसे मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक करंट लोकेशन डाल दिया, करंट लोकेशन। अब से एक बार एंटर करते हैं क्या होता है। देखो 0 आ गया डिस्टेंस, अब मैं सेव करूंगा तो सेव, ठीक है। ये आपका इनिक एंट्री हो गई, इनिक एंट्री आपको ऐसे करनी है। अब इसका व्यू कैसा दिख रहा है, मुझे ऐसा व्यू नहीं चाहिए, चाहिए टेबल फॉर्मेट, जैसे गूगल शीट या एक्सेल पे दिखता है, उस तरीके से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप यूएक्स में जाओगे, यूएक्स में जाओगे, यहाँ पे दिखेगा आपको, क्लिक करोगे अटेंडेंस, ये दिख रहा है अटेंडेंस रिस्पॉन्स, अटेंडेंस रिस्पॉन्स वाले पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो टेबल वाले पे क्लिक कर लो, ठीक है। डेटा क्या क्या चाहिए मुझे, जब यहाँ से कर लो, जैसे कोलम ऑर्डर में आप आए, कोलम ऑर्डर में पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद उसका एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद उसने किस डेट को अटेंडेंस लिया था, उसके बाद इन टाइम, आउट टाइम, लोकेशन, इन का लोकेशन और आउट का लोकेशन और डिस्टेंस कितना था अटेंडेंस लेने के लिए, तो सारा मैं यहाँ पे ले रहा है, प्लस डिपार्टमेंट भी ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट को नहीं। ठीक है, अब ये आपकी एंट्री आ गई। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो आउट कैसे करेंगे, इनकी एंट्री हो गई, ठीक है, इन वाले में कुछ डेटा नहीं आ रहा, क्योंकि इन तो बाद में करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इनके लिए सबसे पहली बात तो ये वाला जो कॉलम फालतू में आ रहा है मैं इसको हटा देता हूँ, इन वाला आउट का मैं हटा दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका, और आउट लोकेशन का भी यहाँ हटा दो। इसके लिए मैं जाऊँगा अटेंडेंस है फॉर्म पे, फॉर्म पे गया, यहाँ पे करूँगा कॉलम ऑर्डर में गया, क्या क्या चाहिए वो चीज़ मैं सिलेक्ट करूँगा, मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, से कोई मतलब नहीं होगा, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नहीं एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है, और डिपार्टमेंट से भी कोई मतलब नहीं है, ईमेल आईडी, डेट चाहिए, किस डेट में अटेंडेंस ले रहा है, इन का टाइम, आउट का टाइम, इन का लोकेशन प्लस डिस्टेंस। अब मुझे सिर्फ फॉर्म में इतना डिटेल दिखाना है बस, आउट नहीं चाहिए मुझे, आउट नहीं चाहिए, ठीक। अभी ये एडिटेबल है, इसको कोई भी इधर उधर कर सकता है, इसको मैं कर देता हूँ, वो क्या नाम है, एडिटेबल हटा देता हूँ यहाँ से जाके, गया डेटिंग्स वाले पे, इसका इन लोकेशन को मैं एडिटर हटा देता हूँ, इसका अभी से एडिट नहीं कर सकते, लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें जो फॉर्मेट डिटेल दिख रही है वो भी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आउट के लिए क्या करूँगा, आउट के लिए जाऊँगा बिहेवियर में, एक बिहेवियर क्रिएट करूँगा, अटेंडेंस वाला टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे डेटा सेट वैल्यू ऑफ सम कॉलम इन दिस रो, इस पे क्लिक किया, तो डेटा किस में चाहिए, मुझे चाहिए आउट टाइम, क्या चाहिए कि जब वो अटेंडेंस ले उसका टाइम आ जाए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, हाँ
अब टाइम नाउ, जैसे ही वो इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली टाइम आ जाएगा। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए मुझे लोकेशन, आउट का लोकेशन। यहाँ पे वही मैं करूँगा, हेयर का फोटो लगा दूंगा लोकेशन के लिए। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली लोकेशन आ जाएगा। अब इसका मैं वही वही कौन चेंज कर देता हूँ, कुछ चलो ये आपको आप देखिए, मैं इस पर क्लिक किया, अभी आप देखेंगे लोकेशन सिर्फ एक आ रहा है, टाइम भी सिर्फ तीन का आ रहा है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास इन और आउट का दोनों लोकेशन भी आ गया, और प्लस इन और आउट का टाइम भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब एंट्री इन करेंगे तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सेव कर देना है, और आउट करने हैं करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे और आउट, बस इतना सा हो गया आउट। एक चीज और यहाँ ध्यान देना है आपको, अगर इन्होंने एक बार आउट कर दिया, फिर मान लो कभी बाद में आउट कर देते हैं, इस पर फिर से जाकर क्लिक कर देते हैं तो करंट डेट ले लेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पर क्लिक कर दें ऑटोमेटिकली हट जाए। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा बिहेवियर में एक और कंडीशन यहाँ पे, तो इसमें इज अगर आउट टाइम ब्लैंक है तभी शो करे, इज वो एक बार आउट कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते। देखो वाला बटन गायब हो गया, ऑप्शन यहाँ से दूसरे में क्लिक करेंगे जिसमें आउट नहीं किया है अभी तक, इस पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा, जैसे ही क्लिक कर दिया इसलिए और वो हट गया। अब सिक्योरिटी फिल्टर मैंने कैसे लगाया है कि जिसको उतना ही डेटा दिखना चाहिए जिसका जो एंट्री है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फिल्टर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी वाले में, आपको जाना है सिक्योरिटी फिल्टर में जाके, सिक्योरिटी फिल्टर में जाना है, यहाँ पे क्या करना है आपको कंडीशन देना है यूजर इन, अगर आप एडमिन हो आप देखना चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा डेटा देखूं, और अगर कोई दूसरा एंट्री करे तो सिर्फ उसको उतना ही दिखा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है, जिसको जिसको दिखाना है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे देना देना है, इक्वल टू डीएम लिखा। अगर यूजर यूजर का ईमेल डीएमई से मैच करता है तो क्या हो, तो ट्रू, अदरवाइज यूजर अदरवाइज क्या हो, यूजर ईमेल इक्वल टू क्या ईमेल, अगर मैं किसी और के नाम से एंट्री करूंगा तो मुझे डेटा नहीं दिखेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए तो नहीं सका तो मैं दूसरे सारा देख ही पाऊंगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्री डिलीट कर पाए, कोई नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिखेगा, सवाल करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन अटेंडेंस वाले में, इसको आपको कर देना है तो नॉट सो। अगर ये करेंगे तो किसी को नहीं दिखेगा, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे नीचे बिहेवियर में, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, इक्वल टू अपनी ईमेल आईडी डाल देना, तो सिर्फ आप ही डिलीट कर सकते हैं इंटरव्यू को, और कोई नहीं कर सकता। डिलीट एडिट कुछ भी करना है वो चीज़ आप अपने आप में यहाँ से परमिशन दे सकते हैं, किसको एडिट ऐड का देना है, किसको एडिट का देना है, तो चीज़ यहाँ से, वैसे मैंने डीएमई को दिया है, निशा की एडिट नहीं, तो देखो आप निशा की एडिट नहीं सुधर लो, डिलीट का ऑप्शन सेव देखिए, डिलीट का ऑप्शन हट गया ना यहाँ से। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में, बिहेवियर में फॉर्मेटिंग में,
मैंने क्या इसमें कंडीशन दे रखा है? मैंने एक जैसे ये जैसे ही बंदा आउट हो जाए वैसे ही पूरी की पूरी लाइन ग्रीन होती है, ताकि मुझे साफ साफ दिखता रहे कि ये आउट हो चुका है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंडीशन जैसे ही आउट वाला कॉलम में कोई भी डेटा आता है, इज नॉट ब्लैंक, जैसे ब्लैंक ना हो वैसे ही क्या हो, वैसे ही कंडीशन अप्लाई। इस पे आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, बस सिंगल वैसे इतना कंट्रोल करेंगे तो ये ही सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको कर देना है यहाँ पर टेक्स्ट कलर ग्रे। अब देख जो अभी आप देखेंगे जिनका जिनका आउट हो चुका है वो ग्रीन है और बाकी ब्लैक दिख रहे हैं। इसका फॉर्मेट कर सकते हैं ब्रांड, यहाँ से कुछ कलर वगैरह करना है, लोगो चेंज करना है अपना, अगर लोगो ये लगाना है यहाँ पे देखिए इन सबको आप करके देख सकते हैं क्या होता है। सो हेडर में लोगो दिखने लगा, लोगो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं यहाँ पे जाके, तो अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना खुद का भी लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने लिए ठीक है, मेरे यहाँ पे पूरा कलर इस तरीके से हो गया, अभी थोड़ा सही दिख रहा है ना देखने में क्या है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कौन सा कलर चाहिए आपको, ये कलर चेंज हो जाएगा जो भी कलर चाहिए। इससे डार्क मोड में रखना है, ब्लैक में रखना है, वो भी यहाँ से आपको हो जाएगा, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। इसको सेव कर देना है। इसके बाद तो इसको मैं लाइट ही बोल रखता हूँ, लाइट ही रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से शेयर करना है, जिसको भी हेयर देना है, यहाँ पे आप जाएंगे और शेयर कर देंगे और उनके मोबाइल में इंस्टॉल करा देंगे, उनको शेयर करेंगे। अगर इंस्टॉल करना है तो ये वाला लिंक देना आप, अगर इंस्टॉल करना है मोबाइल में, अगर ब्राउजर पे चलाना है तो ये वाला। अगर ये वीडियो आपका काम का हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि